55 धावा. मित्रांनो, आपण आज पहिला सामना जो बघितला होता, चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाला पराभूत केलं होतं RD 444-0 ओवळी संघाने. देखिए, मेरे साथ साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर हैं. हालांकि मेरा 27वां साल है कमेंट्री का, लेकिन मेरे से ज्यादा कमेंट्री इन्होंने की, क्योंकि ये बहुत पहले से कमेंट्री करते थे. लेकिन भिवंडी सिटी क्रिकेट में इनका आगमन हो गया था मेयर कप 2006 में और आनंद प्रेरणा कप 2006 में. अंतिम षटक स्लॉग हो रहे हैं. फक्त दोन क्षेत्ररक्षक सिंगल बचवण्यासाठी, एक शॉर्ट थर्ड मॅन आणि शॉर्ट फाईन लेग, बाकी सर्व क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात केलेले. बचावात्मक क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतंय. विवेक सेलार येतोय, यावर पुल करण्याचा प्रयत्न खरं तर खेळायचं होतं. मिड विकेटला चेंडू मात्र जातोय तो डीप मिड ऑनला आणि त्यावर एकच धाव मिळते आतिशास. कहीं ना कहीं आतिश पाटील अब वो शॉट्स नहीं खेल रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं. मराठा पंजाब को और मुनाफ को फुलाजी भोईर, अशोक भोईर और साईनाथ पाटील की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा. 56 धावा झाले, 56, अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. मुनाफ खेळपट्टीवर आहे आणि मला असं वाटतं की सिद्दीक बाबे 65+ कडे नक्कीच बघितलं जाणार आहे. इरफान शेख ने भी कल्याण रोड से मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. वेलकम भोलेनाथ पाटील, एक जबरदस्त खेळाडू सरोली पाटा गावचे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम, सुस्वागतम. विक्की केने और पिंटू पाटिल ने मराठा धनिश कुक से और जयेश पाटिल को ऑल द बेस्ट कहा हमने से. सीमा रेषेवर क्षेत्ररक्षक तैनात केलेले आपण पाहतोय. आफान पटेल ने मापोली से मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा. 7 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात केलेले आहेत. विवेक शेलार यावेळी मात्र अराउंड लेग त्रिफलाचित. देखिए गौली सर, इस तरह की जो बॉलिंग होती है रिप्ले में आप देखिए, ये बैट्समैन के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के की गई गेंद थी. बहुत ज्यादा लॉन्ग वे शफल किया था, विकेटों को खुला छोड़ा, परफेक्ट गेंद की वहां पर और अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए मुनाफ. पूर्णपणे उज्वेष्टीच्या बाहेर गेला होता. घराचं दार जर उघडं ठेवलं तर चोरी होणारच आहे. अराउंड द लेग त्रिफलाचित झालेला आहे. थोडस उज्वेष्टीच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, फाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. अप्रतिम चेंडू होता, बॉडी लँग्वेजला बघून चेंडू हाताळला होता विवेक सेलारेने आणि मुनाफ याची खेळी संपुष्टात आली होती. साजिद कुरेशी और सलीम अंसारी ने धनेश कुक से कॉल द बेस्ट कहा है. साजिद कुरेशी बहुत बड़े ऑर्गनायझर हैं. आता मात्र फलंदाजीसाठी बाबा येतोय. बाबाकडे सुद्धा मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे. मेसेज एक ही बार पढा जाएगा. फक्त 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. विवेक सेलार राईट मोर द विकेट, यावर मात्र पुलचा फटका खेळला. चेंडू हवेत आहे, झेलू ते का बघायचंय आणि डीप स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मध्ये हेमंत थराडेचा चांगला झेल. ज्यादा उपर लगी थी और कोई गलती नहीं की. देखिए आज इसका ग्रैंड फिनाले सिटी क्रिकेट के सभी शो में जल्दी जल्दी आपको गिनाता हूँ. इसके बाद सिटी क्रिकेट में हम आपको मिलेंगे आरके ट्रॉफी परशुराम टावरे स्टेडियम पे, प्रेजेंट बाय अजमल नासिककर एंड दानिश कोत. उसके बाद हम आपको मिलेंगे आतिश पाटिल के बिग शो में मातोश्री कप चाविंद्रा 14 और 15 तारीख को इसी महीने को. उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे MJ ट्रॉफी, शायन अंसारी और गैसुद्दीन शेख और MJ फैब्रिक की देन. ये 16 से 19 तक रहेगा. 20 को करसन फ्लोरे वन मैन शो का बिग शो. क्रिकेट को ज्वाय करना है, इंजॉय करना है तो जॉय में आइए. जॉय कुमार जो 20, 21 और 22 तक चलेगा. 23 का गैप रहेगा टेमगढ़ क्रिकेट ग्राउंड पे जगदीश नाइक और पिंटू पाटिल का शो देखना ना भूलिए. लेट विनोद पाटिल दादा ट्रॉफी जो खत्म होंगी सीधा 27 तारीख को. 29, 30, 31 और 1 शाहिद खान का एकता कप और 2, 3, 4 और 5 चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे मुख्यमंत्री कप. हैट्रिक हो रहा है एक खिलाफ त्रिफलाचित आणि ही दुसरी हॅट्रिक पूर्ण होते विकेट हॅट्रिक. कमाल की गेंदबाजी विवेक शेलार की, ये वापसी है. पहले मैच में उतने इफेक्टिव नहीं रहे थे. भावेश पवार ने उन्हीं पे निर्भर किया. बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, हैट्रिक. इस सीजन का 4था हैट्रिक और इस स्पर्धा का 2रा हैट्रिक. पहला हैट्रिक इस स्पर्धा में किया था
चिराग माली ने पहिली हॅट्रिक चिराग माळी यांनी पूर्ण केली होती आणि दुसरी हॅट्रिक यांनी विवेक सेलार पूर्ण करतोय. मित्रांनो आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये टेस्ट क्रिकेटमध्ये एफ आर सुपूर्त यांनी पहिली हॅट्रिक पूर्ण केली होती. रॉयल मॅकिनॉन अँड एमिट यांना बाद केलं होतं. वन डे क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानचा जलालुद्दीन यांनी पहिली हॅट्रिक पूर्ण केली होती. रॉडनी मार्श, ब्रुस हॅडली आणि जेफ लॉसन यांना बाद केलं होतं. आणि ट्वेंटी क्रिकेटमध्ये ब्रेटली यांनी पहिली हॅट्रिक पूर्ण केली होती. साकिबुल हसन, मुर्तुजा आणि आलोक कपाल यांना बाद केलं होतं. लेकिन आपको ये पता भी चाहिए कि ओडीआय में 49 हॅट्रिक हुए हैं. ओडीआय वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट 50 के आंकड़े पे पहुंच रही है और इस सीजन का ये चौथा हॅट्रिक हम देख रहे हैं BC4 सिटी क्रिकेट में. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा विवेक सेलारने अतिशय भेदक मारा केला होता आणि ह्या षटकामध्ये तर हॅट्रिक पूर्ण केली आणि एक जबरदस्त दबाव टाकलेला आहे. आता मात्र फलंदाजीसाठी आलेला आहे उंचापुरा फलंदाज आतिश भांबरे याला फार उशिरा पाचारण केलेला आहे. या षटकातले काही चेंडू शिल्लक आहेत नाही, त्याचा सामना कशा करतोय बघायचं आहे. आतिश भांबरे क्लीन बोल्ड त्रिफलाचित परफेक्ट यॉर्कर 4 पे 4 भिवंडी क्रिकेट के इतिहास की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं. इसलिए डीजे बंद है कि 5 पे 5 विकेट लेने का कई गेंदबाजों का कीर्तिमान है जिसमें सबसे बढ़ के तो विश्वास मात्रे, उसके बाद कैलाश जादूगर, बहुत से गेंदबाज है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक 4 पे 4 लसित मलिंगा ही ले चुके हैं. विवेक शेलार का जादू सर चढ़ के बोल रहा है. आखिरी ओवर जिसे के तोड़ मरोड़ ओवर कहते हैं और आखिरी ओवर में कई टीमों की आरतियां रनों की वजह से उठ जाती है, लेकिन यहाँ विवेक शेलार को देखिए, मैन फ्रॉम खालिंग कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. मैं भावेश पवार की सराहना करूंगा. आपने जैसा कहा कि पहले मैच में इतने इफेक्टिव नहीं रहे थे, अपने ओवर में 17 रन खर्च किए थे, 20 रन दिए थे, उन्हीं से आखिरी ओवर किया. आपण नक्कीच आठवण करून दिली त्या वर्ल्ड कप 1983 मध्ये मदन लालच्या गोलंदाजीवर 3 चौकार मारले होते विव रिचर्सने. तेव्हा सुद्धा कपिल देवने मदन लालच्या चेंडू सोपवला आणि त्या षटकामध्ये कपिल देवने विव रिचर्सचा झेल घेतला आणि सामन्याला कलाटणी मिळाली. एक ओवर से पूरा करियर तो किसी का खराब भी नहीं होता और एक अच्छे ओवर से सुधर भी नहीं जाता. विवेक सेलार यावेळेला अतिशय चांगला चेंडू आहे, पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला, अनपेक्षित बाउन्स झाला आणि सरळ निघून गेलेला आहे तो यष्टी रक्षकाच्या हातात. धावसंख्या झाली 56 आणि 57 धावांचं लक्ष. विवेक शेलार के लिए जोरदार टालियां बजाए जिन्होंने बहुत खूबसूरत ओवर किया है. एक्सलेंट बॉलिंग फ्रॉम विवेक शेलार. लास्ट ओवर ही क्लेम 4 विकेट्स एंड गिवन अवे ओनली 1 रन.